से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, नैफटेक पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर खालिक खान ने विहाड़ी का दौरा किया, जबकि टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में क्लासेस में जाकर बच्चों से गुफ्तगू भी की। जी बिल्कुल, फनी तलीम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर खालिक खान ने विहाड़ी का दौरा किया और क्लासेस में जाकर बच्चों से फनी और टेक्निकल तलीम की हासिल करने के हवाले से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि इस वक्त नैफटेक पाकिस्तान मुल्क भर में तलबा को खसूसी फनी तलीम के ज़रिए रोशनास करवा रहा है ताकि नौजवान अपने मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सके। उन्होंने कहा कि नौजवानों को फनी तलीम की तरफ रागबत करने की ज़रूरत है ताकि नौजवान खाली हाथ में बैठने की बजाय बेहतर रोज़गार कमा सकें। फनी तलीम के दौरान ही बहुत से बच्चों को बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिल जाता है, जिससे घर वालों को भी सपोर्ट मिल जाती है। प्रिंसिपल मियाँ जाज़ेब यूसुफ ने कहा कि हमारा इदारा गुज़िश्ता 20 सालों से बच्चों को फ़नी तलीम से आरास्ता करवा रहा है। फ़नी तलीम और टेक्निकल की तलीम हासिल करके अब तक बच्चे मुख्तलिफ ममालिक में बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर चुके हैं। डिप्टी डायरेक्टर खालिक खान ने क्लासेस में बच्चों से तलीम के हवाले से गुफ्तगू भी की। जी चल रहे हैं टेक्निकल के, तीनों कन्वेंशनल और हाईटेक के ट्रेड हैं। तो उसमें माशाल्लाह मैंने यहाँ आके देखा है इस कॉलेज में बच्चों को, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रेन किया है, जो प्रॉपर गाइडेंस है वो दी है। और उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बच्चे 75 के करीब जब निकलेंगे यहाँ से, वो माशरे में अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वीएम भी यही है कि बच्चों को टेक्निकल स्किल्ड बनाया जाए ताकि जब वो मार्केट में निकलें तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो।